गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं सुबह से ब्लॉग नहीं बना पाया, तो आज दोस्तों मैं मेले में जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों आप बने रहें मेरे वीडियो के साथ, आपको मेला घुमाते हैं। शाम के 4:30 बज चुके हैं, अब हम देहरादून के मेले में जा रहे हैं जो परेड ग्राउंड में लगा हुआ है। तो अभी हम मेला जाएंगे, आपको दिखाएंगे मेला कैसा लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों मेला चलते हैं। तो नहीं आ रहा मेला? चलिए यार मेला चल, बाय। निकल चुके हैं हम, जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं 6 नंबर पुलिया और जाम लग चुका है आगे। मुझे लगता है मेले में जाने के लिए लेट हो जाएगी, तो चलते हैं आगे। यहाँ पे सब्जी मंडी, हम रोज यहीं से सब्जी लाते हैं। अब जैसी सब्जी खा रहे हैं, ये है धर्मपुर चौक, तो यहाँ से सब्जी मंडी ये रही और यहाँ से हम राइट चलेंगे हमारा घर की तरफ। थोड़ा आगे पे हनुमान मंदिर है। जय हो बजरंगबली। ये है बुद्धा चौक, हमको राइट मुड़ना है परेड ग्राउंड के लिए। अब हम एंट्री कर चुके हैं परेड ग्राउंड में, आओ साइड हो जाओ। तो गाइस ये कार पार्किंग है यहाँ पे, अब दिखाते हैं आपको मेले का व्यू। सारा मेले का व्यू इस तरह दिख रहा है यहाँ। इसके अंदर बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, उधर भी दुकानें हैं। चरखी देख सकते हैं आप, अभी अंदर जाके आपको बताएंगे क्या क्या है। तो चलिए गाइस चलते हैं। पान वाले भैया कितने कितने का पान दे रहे हो? 20 का और 50 मीठा पान। और ये सारा मीठा पान है? मीठा पान है, चॉकलेट है, बनारसी पान है। इधर लगे हुए हैं कपड़ों की दुकानें, इधर लगी हुई है नमकीन वगैरह की दुकानें, और ये आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी है, और ये है गन्ने वगैरह। भाई जी क्या दे रहे हो? धन्य कैसे कैसे दिए हो? 9000 रुपये। 9000 रुपये का ये वाला? और वाटर प्रूफ कारपेट। अच्छा अच्छा, थोड़ा फट गया होगा। चलो कोई नहीं, वो थोड़ा गिल्ले के वजह से। कोई नहीं कोई नहीं, यहाँ पे सारे धन्य लगे हुए हैं, यहाँ पे पूरे बंडल रखे हुए हैं धन्यों के। ये बढ़िया बढ़िया धन्य भाई, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो गाइस ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हैंडमेड वाले धन्य पूरे दिखाना है, खोल के दिखाना जरा। अफगानिस्तान वाला, वाह देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे धन्य हैं यहाँ पे। ये तिब्बत का है, ये तो बहुत मोटा है यार। कितनी बारीक बुनाई है, अभी देखिए ना तिब्बत वाले का आपको बुनाई दिख रहा होगा। हाँ इसकी बुनाई नहीं दिख रही है। अब अफगानिस्तान वाले की देख लीजिए आप, बिल्कुल बारीक बुनाई है इसकी। हाँ इसकी तो बहुत बारीक है यार। जो कारपेट हमारे पास है वो कारपेट किसी के पास नहीं है। हाँ इन भाई के पास बहुत अच्छे अच्छे कारपेट हैं, जिस भाई को खरीदना हो तो यहाँ आ सकते हैं इन भाई के पास। परेड ग्राउंड मेले में बढ़िया बढ़िया कारपेट लगे हुए हैं यहाँ पे। ठंडियों के मौसम में तो कारपेट की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। 1000 से 1 लाख रुपए तक का, वाओ। ये गाइस यहाँ पे ड्राई फ्रूट, भाई ये क्या चीज़ है? ये बॉडी मसाज है। बॉडी मसाज, मसाज करने के लिए कमर का, कमर की, बैक की, लेग्स की, थाइस की, फुट की, काफ्स की, सब के लिए करेगा, मल्टीपर्पज़ की है ये। सारे वही है ना?
यहाँ पे गाय बच्ची के लिए बढ़िया बढ़िया घंटियाँ हैं, जिसको अपनी गाय बच्चियों के लिए घंटी ले जानी हो तो यहाँ से ले सकता है। बहुत ही सुंदर है, ये देख लीजिए। भैया ये वांजली टोपी कितने की है? ये 150 की बड़ी बड़ी तो हैटी पहनता हूँ ज़्यादा, इसलिए हैट अच्छा लगता है बुजुर्ग आदमियों के लिए। गरम गरम हर हर गंगे ईस्ट एंड। ये क्या है, पिल्लो के कवर? पिल्लो और सोफा सारे गाइस, यहाँ पिल्लो के कवर और सोफे के कवर बढ़िया बढ़िया रखे हुए हैं। यहाँ पे बच्चों का खेलने का मस्ती कर रहे हैं बच्चे। तो गाइस ये है आइसक्रीम वाली चरखी, जिस भाई को भी आइसक्रीम खाना हो तो ये रहा बड़ा बड़ा आइसक्रीम। वो चरखी लगी हुई है ऊपर चरखी में। न भैया मैं तो नहीं आ रहा। गाइस अब हम आ चुके हैं गर्मा गर्म भुट्टों की दुकान पे। भाई कितने का दे रहे भुट्टा? कितने का दे रहे भुट्टा? एक? अरे यार बहुत सस्ता है यार। आप भी यहीं पे सस्ते में दुकान ले रखी है, इसको सस्ता देना पड़ रहा है। ओके ओके, भुट्टे तो बड़े जबरदस्त हैं यार ये तो। हाँ सभी सस्ता है। सबसे पुरानी मिठाई हमारी जलेबी है, यहाँ पे जलेबी भी टांग रखी है इन लोगों ने। आ गया, क्या भाव दे रहे हो जलेबी? 50 रुपए की पाव। 50 रुपए की पाव? गाइस यहाँ पे बहुत सारे चलते हैं। मैंने देखने आजकल की पेने ऐसे भी आ रही है, देख लीजिए आप। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब भाई मैं और दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए, ये भी पेन है गार्डवेंचर। तो गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बैम्बो के चेयरें हैं, टेबल्स हैं, सोफा है, ये बैम्बो से बने हुए हैं सारे लकड़ी के। इधर बहुत सारे हैं, ये भी है और ये भी पूरा लकड़ी का है। और ये जो हमारे पहाड़ में वो होता है क्या, रिंगाल, ये उसका बना हुआ है पूरा। बस इसमें सिर्फ ये गद्दी लगा रखी है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, तो बहुत ही सुंदर है यार ये, बहुत ही अच्छा, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा भाई। चलो बैठते हैं थोड़ा। मुझे मेले में सबसे अच्छी तो यही लगी है।
दोस्तों मेले की सबसे बेहतरीन चीज़ यही है। इसका तो जॉइंट है पूरे, पूरा ढीला है, पूरे जॉइंट हैं, बहुत ही बेहतरीन चेयर्स। ये चोट कैसे लगी? ये कारपेट ले रहा है, कारपेट, ये कारपेट ले रहा है, कारपेट ले रहा है। अच्छा जी, कारपेट लेने के लिए आया भाई। ये क्या चीज है? सर ये क्या चीज है? कश्मीरी कावा बनता है, कश्मीरी कावा। कश्मीरी कावा क्या होता है? इससे सर्दी में आता है, बढ़िया खांसी जुकाम के लिए बढ़िया रहता है। अच्छा अच्छा, खांसी जुकाम के लिए। अच्छा अच्छा, इसको बोलते हैं समावार का खीर, ये आता है 70,000 का। 70,000 का तांबे का होता है, तांबे का। और इसमें क्या जलाते हैं यार भाई? यहाँ से ऊपर से डाले पड़ते कोयला, कोयला खाली लकड़ी का कोयला। तो गाइस अब चलते हैं हम घर को। गाइस अब आ चुके हैं हम मेले से बाहर, अंधेरा भी काफी हो चुका है। कितना बज रखा है? 7 बजने वाले हैं लगभग। चलते हैं घर को। दोस्तों देहरादून में जो है ताई लोग और दाऊ लोग ऐसी गाड़ियां चला रहे हैं, ऐसी गाड़ी हम भी नहीं चला सकते इतने ट्रैफिक में, बता नहीं सकता मैं, तभी भी वो गाड़ियां चला रहे हैं। तो दोस्तों पहुंच गए हम अपने घर में और थकान भी लगी गई है, जाते हैं खाना पाना खाएंगे। थकान मिटाने के लिए चाय मिल गई है, चाय पीते हैं। सो गाइस रात का भोजन भी हो चुका है, तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले ब्लॉग के साथ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, थैंक यू। तब तक के लिए गुड नाइट।